हेलो फ्रेंड्स, अल्टीमेट रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कबाब की रेसिपी। तो उसके लिए मैंने ली हूँ आधा केजी मीट, एक लहसुन जो मैंने अच्छे से इसको छुड़ा लिए हैं, आधी चम्मच जीरा, चुटकी भर सौंफ, एक बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी, आधी कटी हुई नींबू, दो लौंग और 10-12 दाने काली मिर्च और एक छोटा सा टुकड़ा पपीता का और एक छोटा अदरक का टुकड़ा मैंने लिया है। तेल मैंने 4 चम्मच ली हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच नमक, जो आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने जो कबाब के लिए मसाले लिए थे उसको मैं मिक्सर में डालकर पीस लूँगी। अच्छे से मिला दूंगी और इसको हमने 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका मसाला अच्छे से मिल जाए। अब मेरा 15 मिनट हो चुका है, अब मैं इस मीट को गज में डालूंगी एक एक करके। अब मैंने सारे मीट को एक एक करके गज में डाल दी हूँ। अब मैं इसको कोयले के आग पे सेकूंगी। देखिए हमारा कोयले का आग सुलग गया है। अब मैं दोनों गज को इस कोयले के आग पे रखूंगी। फिर मैं इसको इसमें तेल लगा रही हूँ। बीच बीच में तेल लगाने से कबाब बहुत ही टेस्टी होता है। मैं जो तेल ली हूँ वो सरसों का तेल है। फिर मैं इसमें तेल डाल रही हूँ बीच बीच में और दो दो मिनट पर मैं इस कबाब में तेल डालती रहूँगी। दो दो मिनट पे तेल डालते रहना है और तेल डालकर इसी से भूनना है। देखिए हमारा कबाब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। अब इसको मैं थोड़ी देर और सेकूंगी। कबाब की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। अब हमारा कबाब तैयार हो चुका है। देखिए हमारा कबाब कितना अच्छा दिख रहा है। हमारा कबाब बहुत ही टेस्टी हुआ है। आप भी अपने घर में ट्राई ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अगर मेरी वीडियो आप लोग की पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। अगर कुछ चीज़ की रेसिपी आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बताएं, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी उस रेसिपी। थैंक यू सो मच।